साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। ठीक है, साउथ अमेरिका में अगर हम देखें तो ये कौन कौन से देशों से क्रॉस होती है? नोट करो, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। नोट कर लो, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। साउथ अमेरिका में कहाँ कहाँ से क्रॉस हो रही है ये? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। दूसरा कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका। अफ्रीका में कहाँ कहाँ से क्रॉस हो रही है ये? अफ्रीका में नोट करो, साउथ टोमे, गेबन, कांगो। कांगो समझते हो? देश का नाम है कांगो। अफ्रीका में एक देश है कांगो। ठीक है, तो साउथ टोमे, गेबन, कांगो, जायरे, ये बायरे नहीं है, जायरे। ठीक है, जायरे, केनिया। केनिया तो सुना होगा आप लोगों ने, युगांडा और सोमालिया। सोमालिया विश्व का सबसे शांत देश। सारे दुनिया के लोग चाहते हैं वहां की नागरिकता मिले उनको। अगर आपका कभी मन नहीं लगे तो सोमालिया चले जाओ आप घूमने, वहां आपका अच्छे से मन लगेगा। ठीक है, साउथ टोमे, गेबन, कांगो, जायरे, केनिया, युगांडा और सोमालिया। तो आप ये देखो कि दक्षिण अमेरिका के कितने देशों से ये क्रॉस हो रही है? तीन कंट्री से। और अफ्रीका के कितने हैं? सात कंट्री से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आप एशिया। एशिया में बताओ, मालदीव और इंडोनेशिया। गुड, नोट कर लो, मालदीव और इंडोनेशिया। एशिया में मालदीव और इंडोनेशिया। ठीक है, क्लियर है सबको? क्या इंडिया से क्रॉस नहीं होती है ये? देखो, इंडिया से दूर है ना, इंडियन ओशियन से। यानी कौन कौन से ओशियन से क्रॉस हो रही है ये? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन। ठीक है, ध्यान रखना, ये तीनों ओशियन के नाम भी ध्यान रखना। तीन तो कॉन्टिनेंट और तीन ओशियन, तीनों ओशियन के नाम भी नोट कर लो। कौन कौन से ओशियन से क्रॉस होती है ये? कौन कौन से महासागर से क्रॉस होती है? महासागर के नाम लिख लो, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। ठीक है, विषुवत रेखा तीन महासागरों से क्रॉस होती है। विषुवत रेखा तीन महासागरों से क्रॉस होती है। विषुवत रेखा तीन महासागरों से क्रॉस होती है। कौन कौन से महासागर? पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशियन। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर के बारे में। ठीक है, 0 डिग्री लेटीट्यूड क्लियर हो गया सबको? ये पूछूंगा मैं अभी आपको क्वेश्चन, इसको लर्न कर लो आप अच्छे से। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, नोट करो, हम इंपोर्टेंट लेटीट्यूड्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इंपोर्टेंट लेटीट्यूड में हमने सबसे पहले कौन सा डिस्कस किया है? 0 डिग्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नोट करो, 23rd एंड हाफ नॉर्थ लेटीट्यूड या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा।
देखो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको नोट कर लो, इसको ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर, इसे ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर, या इसको भारत में क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। ठीक है, नोट कर लो, इसे ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसे ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहा जाता है। इसे ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, इसको पूरा वर्ल्ड किस नाम से जानता है? ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर, या इसको हम इंडिया में किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट से क्रॉस हो रही है? देखो इसको, इस मैप के ऊपर, इस मैप के ऊपर अगर हम देखें इसको, तो नॉर्थ अमेरिका से हो रही है क्रॉस, और अफ्रीका से। देखो सही है, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। ठीक है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट से ये? नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। क्या इंडिया के सेंटर से भी जा रही है? दिख रही है सबको? ठीक है, तो नोट कर लो, ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट से क्रॉस होती है? ये 3 महाद्वीपों से क्रॉस होती है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। 3 महाद्वीप से क्रॉस होती है, एक तो नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के कौन से देश? मेक्सिको और बहामास। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में मेक्सिको और बहामास, और अगला है अफ्रीका। अफ्रीका के कौन कौन से देश? अफ्रीका के देशों के नाम लिखो, मोरिटानिया, मोरिटानिया, माली, मोरिटानिया, माली, अल्जीरिया, ठीक है, मोरिटानिया, माली, अल्जीरिया, ठीक है, लीबिया, नाइजर और मिस्र, इजिप्ट। मिस्र, मिस्र को इजिप्ट भी कहा जाता है। ठीक है, हिब्रू भाषा में इसको मिस्र कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? इजिप्ट। ठीक है, इसमें एक देश और है ऊपर, पश्चिमी सहारा, एक कंट्री और है वेस्टर्न सहारा, इसका नाम भी लिखो, पश्चिमी सहारा, मोरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया। पश्चिमी सहारा, मोरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर और इजिप्ट। ठीक है, पश्चिमी सहारा। और तीसरा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां से क्रॉस होती है? एशिया। एशिया में बताओ कहां कहां से क्रॉस होती है ये? सऊदी अरब से क्रॉस होती है, एशिया में लिखो सऊदी अरब, और यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार,
चाइना और ताइवान, नोट कर लो, एशिया से सऊदी अरब, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान से। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चंस कहाँ से आ सकता है एग्जाम के अंदर, आप ये ध्यान रखना। हमारे इंडिया से देखें अगर हम, तो ये ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा इंडिया से क्रॉस हो रही है, लेकिन इंडिया के कौन कौन से ऐसे जो है पड़ोसी देश है जहां से क्रॉस हो रही है, तो वो देखो इंडिया के कौन कौन से पड़ोसी देश है जहां से क्रॉस हो रही है। एक तो बांग्लादेश और एक म्यांमार और एक चाइना। आ रही बात समझ में? तो कर्क रेखा इंडिया के कौन कौन से पड़ोसी देशों से क्रॉस होती है? बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना। आगे बात समझ में? ये तीनों चीज ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। दक्षिण अमेरिका में कहाँ बताया मैंने? नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, मेक्सिको और बहामास दो देशों के नाम है ना, देखो मेक्सिको एंड बहामास। ठीक है, और एशिया में भारत के पास में कौन से पड़ोसी देश है जहां से क्रॉस होती है? बांग्लादेश, चाइना और म्यांमार। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यह है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 नॉर्थ लेटिट्यूड। नेक्स्ट नोट करो, 23.5 साउथ लेटिट्यूड। और ये डायग्राम भी आप ड्रॉ कर लेना, ये है ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ठीक है, और ये है कैप्रिकॉन, मकर रेखा। और सेंट्रल में ये कौन सी है? इक्वेटर। कर्क रेखा, ठीक है, नॉर्थ में हो जाएगी कर्क रेखा, साउथ में हो जाएगी मकर रेखा, और सेंट्रल में है आपके इक्वेटर। क्लियर, 23.5 डिग्री साउथ, इसको नोट नहीं किया है, 23.5 डिग्री साउथ नोट करो, मकर रेखा, ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉन, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, इंग्लिश में हम इसको क्या कहेंगे? ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, ये जितने भी हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट है ना, वो ये जितने भी इंग्लिश नेम है वो आप सब याद रखा करो, इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी नेम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हिंदी वालों को इंग्लिश नेम सारे याद होने चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में कर्क रेखा, मकर रेखा ऐसा कभी नहीं पूछेगा, आपको डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा कि कैंसर लाइन। ठीक है, वो जब इंग्लिश टू हिंदी करेगा ना, वो कर्क रेखा नहीं करेगा, वो क्या लिख देगा उसको? कैंसर लाइन। ठीक है, या फिर अगर मकर रेखा कैप्रिकॉन को सीधा लिख देगा कि कैप्रिकॉन ये लो, तो वहां भरे बाजार में लुट जाओगे आप। अरे बात समझ में? तो इसलिए सारे नेम ध्यान रखा करो आप, इंग्लिश नेम जितने भी हैं, ठीक है, इंग्लिश वालों को हिंदी नेम याद रखने की जरूरत नहीं है, उनको नहीं पूछेगा कभी। क्योंकि पेपर क्या इंग्लिश में बनता है, फिर उसका हिंदी कन्वर्जन होता है, तो हिंदी जब उसका ट्रांसलेशन होता है तो वो कई बार जो है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, जैसे प्लांट है तो प्लांट जो होता है, प्लांट को वो पौधा लिख देते हैं जो हिंदी करने वाले, जैसे स्टील प्लांट, तो स्टील प्लांट को भी स्टील का पौधा लिख देते हैं वो। अरे बात समझ में? जैसे स्टील प्लांट, भारत में सबसे ज़्यादा स्टील प्लांट जो है हम झारखंड में है, तो वो पूछेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा स्टील के पौधे कहां पर हैं, तो अब बताओ लुटोगे कि नहीं लुटोगे?
इसलिए कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है? तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, 23.5 डिग्री साउथ के बारे में। बताओ ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट से क्रॉस होती है? देखो इस पे मैप था ना हमारा, ये देखो कहां कहां से क्रॉस हो रही है ये। साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ये थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया मेरा नीचे रह गया है ना, ये यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया के सेंटर से जा रही है ये, ठीक है? तो नोट कर लो इसको, साउथ अमेरिका कौन कौन से देशों से, महाद्वीप से क्रॉस होती है? फर्स्ट महाद्वीप है आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका महाद्वीप के कौन कौन से देश? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। नोट कर लो, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील, ठीक है? अफ्रीका महाद्वीप में नामीबिया, बोस्टवाना, अफ्रीका महाद्वीप में देखो कहां कहां से क्रॉस हो रही है, नामीबिया, बोस्टवाना, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। मेडागास्कर से भी तो क्रॉस हो रही है। और ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया महाद्वीप से के इसके सेंट्रल से क्रॉस हो रही है, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग से गुजरती है ये, ठीक है? क्लियर हो गए सबको? दोनों अक्षांश 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। ये बताओ हमारी ये जो कर्क रेखा है ये विश्व के कितने महाद्वीपों से क्रॉस होती है? तीन महाद्वीपों से। कौन कौन से? साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से क्रॉस होती है, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। और विषुवत रेखा साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। और मकर रेखा साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। यानी अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों लाइन क्रॉस हो रही है, ठीक है? ये ध्यान रखना थोड़ा सा। यहां तक क्लियर है? ये नोट कर लिया सबने? आपने 66.5 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड का नाम सुना है कभी? आर्कटिक सर्कल। और 66.5 डिग्री साउथ, उसको हम क्या कहते हैं? अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है? तो अब हम एक मैप ड्रॉ करते हैं जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड्स को हम ड्रॉ करते हैं, फिर कुछ राज की बात देखेंगे, ठीक है? किसी को बताना नहीं है ये बात, सिर्फ आप तक रखनी है। देखो अब एक राज की बात बताता हूं मैं आपको, ये नोट कर लिया सबने? ये कौन सी लाइन है? ठीक है,
ये लाइन कौन सी हो गई? कर्क रेखा। ये कौन सी लाइन हो गई? आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल। ठीक है, ये 23.5 डिग्री साउथ, इसको हम क्या कहेंगे? मकर रेखा, मकर, ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, और ये हो गए आपके अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। अब राज की बात को हमें समझना है, उससे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि हमने सबसे पहले 0 डिग्री लेटिट्यूड्स के बारे में हमने चर्चा करी, तो 0 डिग्री हमें समझ में आ रहा है कि ये सबसे बड़ा सर्कल है और सेंट्रल से जारी है और सारा जो मेजरमेंट जितना भी हो रहा है वो 0 डिग्री के बेस पे हो रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा मेजरमेंट 0 डिग्री के आधार पर हो रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि 0 डिग्री के बाद हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सारी लाइन्स को हमने छोड़ दिया है और डायरेक्ट हमने कौन सा डिस्कस किया है? 23.5 डिग्री। इसका क्या रीजन है? हम 23.5 डिग्री पढ़ा हमने, हम 23 डिग्री भी पढ़ सकते थे, हम 24 डिग्री भी पढ़ सकते थे, 21 भी। 21 डिग्री में क्या क्या गुना किया 21 डिग्री ने? क्या गलती है 21 डिग्री की जिसके लिए उसको हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं? क्या गलती है 25 डिग्री की, उसको भी हम नहीं पढ़ रहे हैं? बताओ, इन सब को हमने छोड़ दिया और सीधा हम 23.5 डिग्री। सन क्या करता है यहां पे? सन के लक्षण ठीक नहीं है, सूर्य के लक्षण ठीक नहीं है, तो क्या करता है वो? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, सन की क्या यहां पर रोल है? इससे ऊपर सन नहीं जाता है, इससे ऊपर सन नहीं जाता है, सन यहां तक जाके वापस आ जाता है। देखो, इसका सनलाइट का रीजन है, देखो इसमें क्या रीजन है। अगर इस एरिया की हम बात करें, इस पूरे एरिया में सनरेज जो है ना वो लगभग स्ट्रेट होती है, लेकिन ये 23.5 डिग्री के बाद सनलाइट कैसी हो जाती है? स्लांट हो जाती है, तिरछी। अरे बात समझ में, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हमारी ये जो अर्थ है ना, अर्थ जो है ये खुद अपने एक्सिस के ऊपर कितना टिल्ट है? 23.5 डिग्री। अरे बात समझ में, तो अर्थ हमारी एक्सिस, अर्थ खुद अपने एक्सिस पर कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। इस वजह से 23.5 डिग्री के बाद सनरेज कैसी हो जाती है? स्लांट हो जाती है, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। अरे बात समझ में, अगर अर्थ जो है अपने एंगल पर अगर 30 डिग्री झुकी हुई होती है तो फिर हम कौन सी लाइन पढ़ते हैं? 30 डिग्री। अरे बात समझ में, लेकिन अर्थ अपने एक्सिस पर कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। इसलिए 23.5 डिग्री के बाद सूर्य की किरणें कैसी हो जाती है? तिरछी हो जाती है, सनरेज। अरे बात समझ में, ठीक है, इस वजह से ये इस तरीके से चलती है। क्लियर? ऐसा नहीं है कि सनरेज ऊपर नहीं पहुंचती है, ऊपर भी पहुंचती है दोनों तरफ। क्लियर? लेकिन वहां सनरेज जो होती है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है? कम होती है। अरे बात समझ में, ठीक है। तो हम 23.5 डिग्री को क्यों डिस्कस करते हैं? क्योंकि हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर कितना टिल्ट है? 23.5 डिग्री। और 23.5 डिग्री के बाद सनरेज कैसी हो जाती है? तिरछी हो जाती है। तो मुझे एक बात बताओ कि जब जिस एरिया में सनरेज सीधी रहेगी उस एरिया में टेम्परेचर ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? ज्यादा रहेगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। सूर्य की किरणें अगर ज्यादा आ रही है तो सनरेज क्या होगा? सनरेज सीधी आ रही है, डायरेक्ट आ रही है, सूर्य की किरणें ज्यादा पहुंच रही है तो टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये जो रीजन है आपका 23.5 से लेकर 23.5 नीचे तक, इस पूरे रीजन में सनरेज क्या है? सीधी है, लगभग सीधी है, तो टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। इसलिए इस रीजन को ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, और हिंदी में इसको कहा जाता है उष्णकटिबंध। इस पूरे रीजन को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंध। ये जो पूरा रीजन है कहां से कहां तक? 23.5 से लेकर 66 तक। अच्छा, इस एरिया में टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, टेम्परेचर इसमें हाई होगा। क्यों हाई होगा टेम्परेचर? क्योंकि सूर्य की किरणें यहां पर सीधी गिर रही है। अब मुझे एक बात बताओ कि जहां सूर्य की किरणें तिरछी गिरेगी तो वहां रेस्पेक्टिवली टेम्परेचर क्या होगा?
कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो वो जो जोन है उसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन, उसको हम क्या कहते हैं टेम्परेट जोन। तो क्या दो टेम्परेट जोन होंगे, ये भी क्या होगा टेम्परेट जोन, इसको हम कहेंगे हिंदी में शीतोष्ण कटिबंध। आ गई बात समझ में, ये क्या कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंध, और ये वाला जोन भी क्या कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंध। ये तो वो रीजन है जहां पर सनरेस क्या है तिरछी है कम, ठीक है, सनरेस तिरछी है इसलिए उसकी इंटेंसिटी क्या हो गई कम हो गई, इसलिए टेम्परेचर क्या हो गया कम। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो ऊपर का रीजन है, ये पूरा रीजन, यहां सनरेस पहुंच रही है क्या, पहुंच रही है पर बहुत कम मात्रा में, तो यहां टेम्परेचर और क्या होगा और डाउन हो जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं फ्रीज रीजन। इसको हम क्या कहते हैं फ्रीज रीजन, या इसको हम कहते हैं फ्रीज जोन, या इसको परमाफ्रॉस्ट जोन भी कहा जाता है, ठीक है। तो यानी सबसे पहले ट्रॉपिकल जोन, फिर टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन के बाद क्या होगा लास्ट आपके फ्रीज जोन, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं शीत कटिबंध, इसको क्या कहा जाता है, क्योंकि यहां पर बर्फ जमी रहती है सालों भर, क्यों जमी रहती है बर्फ, क्योंकि सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती है, बहुत कम मात्रा में पहुंचती है, क्लियर। और क्या रीजन है सूर्य की किरणें नहीं पहुंचने का, हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर कितना झुकी हुई है 23.5 डिग्री। अगर हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर झुकी भी नहीं होती, सपोज देखो आप इस रीजन को, सपोज ये अगर सन है और हमारी अर्थ इस तरीके से टिल्ट है, तो ये जो रीजन है इस रीजन में तो सनरेस पहुंच ही नहीं पा रही है, ये तो बिल्कुल पीछे हो गया है। आ रही बात समझ में, क्लियर। अब किसी समय क्या, किसी समय ये रीजन आगे रह रहा है तो यहां सनरेस गिर रही है, अब कुछ समय बाद क्या हो रहा है जब अर्थ रोटेट होते हुए यहां पहुंच रही है, क्लियर। जब अर्थ अपने एक्सिस पर क्या हो रही है लगातार रोटेट हो रही है, क्लियर, रोटेट होते होते कई बार क्या पहुंच रही है वो यहां पहुंच रही है इस तरीके से, जब यहां पहुंच रही है तो ये एरिया पूरा नीचे हो गया और इस एरिया के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी गिर रही है, क्लियर। तो इसलिए यहां पर सनरेज बहुत कम मात्रा में पहुंचती है, इस वजह से इस रीजन में हमेशा जो है आपके टेम्परेचर बहुत कम रहता है, माइनस में रहता है, और सालों भर यहां पर बर्फ जमी रहती है, क्लियर। यहां तक क्लियर है, तो एक तो हो गया हमारा ट्रॉपिकल जोन, एक हमारा हो गया टेम्परेट जोन, और एक हमारा हो गया आपके फ्रीज जोन, या इसको परमाफ्रोस्ट जोन भी कह सकते हैं हम, क्लियर, ठीक है। तो ये सारे जितने भी हमने क्लाइमेट डिसाइड किए हैं, ये सारे क्लाइमेट किसके बेस पर डिसाइड हुए हैं, ये डिसाइड हुए हैं लेटीट्यूड के बेस पर। आ रही बात समझ में, तो लेटीट्यूड के दो इंपोर्टेंस हो गई, एक तो हमारी इस अर्थ के ऊपर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, और दूसरा हम क्या डिसाइड करते हैं क्लाइमेट। आ रही बात समझ, तो क्वेश्चन एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है, कभी भी एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि लेटीट्यूड्स के क्या, लेटीट्यूड्स के बारे में निम्न में से कौन सा कथन राइट है, क्लियर, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आपको पूछा जा सकता है कि लेटीट्यूड्स के द्वारा, अक्षांश के द्वारा पृथ्वी के ऊपर दूरी निर्धारण के साथ साथ जलवायु का भी निर्धारण किया जाता है, क्या ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है, सही है, क्लियर। और लेटीट्यूड्स जो होती है कुल टोटल नंबर ऑफ लेटीट्यूड्स 181 होते हैं, क्लियर, जबकि सर्कल कितने होते हैं 179 होते हैं, ये भी राइट है, क्लियर। तो इस प्रकार का आपके कथन बन सकते हैं, 3-4 कथन बन जाएंगे और आपको पूछा जाएगा इनमें से कौन सा कथन सही है या गलत है। आगे बात समझ में, क्लियर, लेटीट्यूड्स के बारे में क्लियर है सारे, और इंपोर्टेंट लेटीट्यूड्स कौन कौन से हमने डिस्कस किए, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ। आ रही बात समझ में, 0 डिग्री को किस नाम से जाना जाता है, इक्वेटर, कौन कितने महाद्वीपों से क्रॉस होती है, 3, कौन कौन से, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, कौन कौन से, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, ठीक है। कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से, 3 महाद्वीपों से, कौन कौन से, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। एशिया में क्या भारत से क्रॉस होती है कर्क रेखा, भारत के पास कौन से 3 पड़ोसी देश, बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना, कौन से 3 पड़ोसी देश, बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना, ठीक है। और मकर रेखा के बारे में बताओ, कौन से 3 कॉन्टिनेंट से, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, क्या ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल से क्रॉस होती है, ठीक है। और इसके बाद हमने 2 इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड के बारे में बात करी, 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ। 66.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहा जाता है, आर्कटिक सर्कल,
और 65 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक सर्कल। अरे बात समझ में क्लियर। अच्छा ये जो 23.5 डिग्री हमारी अर्थ झुकी हुई है इसी वजह से क्लाइमेट बन रहे हैं, ठीक है। तो सनरेज क्या होती है, 23.5 के बाद सूर्य की किरणें कैसी हो जाती है, तिरछी गिरती है। इसलिए हमारे 3 जोन हो गए, कौन कौन से, ट्रॉपिकल जोन, कहां से कहां तक, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा, क्लियर। और फिर ऊपर चले गए तो हम 23.5 से 65 टेम्परेट जोन, और ऊपर चले गए तो फ्रीज जोन या पोलर जोन, इसको फ्रीज जोन भी कह सकते हैं या इसको पोलर जोन भी कह सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है, इसको नोट कर लो आप। ये मैंने आपको अक्षांश के बारे में बेसिक जानकारी दी है जो एक टावर के पास होनी चाहिए। हालांकि अब आप टावर नहीं रहे वो अलग बात है। इसको नोट करो अच्छे से, फिर हम आगे चर्चा करते हैं देशांतर के बारे में। ज्योग्राफी समझ में आ रही है? भूगोल तो नहीं हो रहा है? शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध में ये अंतर है कि शीतोष्ण कटिबंध शीतोष्ण होता है और शीत कटिबंध शीत होता है। देखो इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि शीतोष्ण कटिबंध जो होता है उसमें टेम्परेचर माइनस में होता है, और जो शीत कटिबंध जो होता है उसमें टेम्परेचर माइनस में रहता है, ठीक है। और शीतोष्ण कटिबंध जो है वो आप ऐसा मान लो कि जब हमारे यहाँ जब सर्दियों में जो मौसम रहता है ना, जैसे हमारे यहाँ अभी विंटर शुरू होगी, विंटर में जो मौसम रहेगा ना उसको हम शीतोष्ण कहेंगे, क्योंकि रीजन ये है कि विंटर में सर्दियों में क्या होता है कि दिन तो गर्म होते हैं लेकिन नाइट बहुत ठंडी होती है, क्लियर। तो यानी दिन में थोड़ा बहुत गर्म रह रहा है, क्लियर, और रात बहुत ठंडी है, तो वो क्या हो गया, शीतोष्ण। और अगर दिन भी माइनस में और रात भी माइनस में टेम्परेचर चल रहा है वो क्या हो गया, शीत कटिबंध। शीत कटिबंध को आप ऐसे भी मान सकते हो कि जैसे मान लो विंटर सीजन आया, तो विंटर सीजन में क्या चारों तरफ बर्फबारी होती है और जो है रोड वगैरह सब ब्लॉक हो जाते हैं, स्कूल की सब छुट्टियां हो जाती है 3 महीने के लिए, क्लियर। रोड पे आप निकल नहीं सकते हो, घर से बाहर नहीं जा सकते हो आप, ठीक है, इतनी बर्फबारी, उसको कहते हैं शीत कटिबंध। और सीकर में आप जैसा रहते हो विंटर में उसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। ठंड यहाँ पर भी होती है लेकिन बाहर तो जा सकते हो ना आप, या घर से बाहर नहीं निकलते हो, निकलते हो। दिन में तो गर्म ही रहता है यहां भी, ये तो डेजर्ट में हो रहा है सीकर तो, पर रात यहां ठंडी ज्यादा होती होगी क्योंकि ज्योग्राफिकल रीजन यही है कि डेजर्ट जितना गर्म होता है उतना है रात को ज्यादा ठंडा होता है। थार मरुस्थल के निवासी हो आप लोग, थोड़ा बहुत तो है यहाँ डेजर्ट, सीकर डेजर्ट में तो आता है, राजस्थान में, राजस्थान ज्योग्राफी अगर आप पढ़ोगे तो सीकर जिले को किस में माना जाता है, डेजर्ट में। हमारे जैसा हरा भरा थोड़ी है सीकर, हमारे उदयपुर जैसा हरा भरा थोड़ी है। आप लोग तो यहाँ ग्रीनरी देखने को तरसते होंगे, है नदियां, देखिए आप नदियां समझते हो आप लोग, जिसमें पानी बहता है। मतलब आपने मूवीज में देखी होगी, मैं ओरिजिनल में कह रहा हूं, ऐसा कोई एरिया हो जहां पानी बह रहा हो बहुत सारा, ऐसा देखा है कभी? नहीं 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 देखा होगा, सच बताओ। इसमें कांतली नदी में, तो गंगा में देखा आपने, यहां थोड़ी देखा, मैं सीकर की बात कर रहा हूं, मैं वही कह रहा हूँ, कांतली नदी है, और कांतली नदी वो भी नाले के बराबर है। कौन सी नदी में देखा आपने? गंग नहर में देखा, मैं नहर में थोड़ी कह रहा हूँ, नहर तो आर्टिफिशियल है, मैं नेचुरल पानी देखा है कभी बहते हुए?
आप लोगों को भी लगता होगा दूसरे एरिया को देख के, है ना, पानी की कमी है या बहुत नहीं है? बारिश आती है तो पुलिया पे पानी भरता है रोड के ऊपर, तो वो कोई पीने का पानी थोड़ी होता है। अरे नोट कर लिया इसको, ठीक है, आया समझ में? तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।